आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी एंड टेस्टी फ्राइड राइस। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली कुकिंग विद डॉली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए फ्राइड राइस के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमने लिए हैं बीन्स 1/3 कप, जिसको कि हमने इस तरह से काट लिया है। शिमला मिर्च ली है हमने 1/2 कप, 1/2 कप हमने गाजर ली है, मटर लिए हैं हमने 1/4 कप, 1 हमने प्याज लिया है जिसको चॉप कर लिया है, धनिया लिया है इसको भी हमने बारीक काट लिया है, हरी मिर्च हमने 2 ली हैं, ऑयल हमने 2 टेबलस्पून लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 8 से 10 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक लिया है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। ये चिली सॉस है, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस जो कि हमने 1/2 टेबलस्पून दी है, ये सोया सॉस है और काली मिर्च, लेमन जूस ये हमने 1/2 टीस्पून लिए हैं। यहाँ हमने 1 कप चावल लिए हैं जिसको हम 15 मिनट तक सॉक करेंगे पानी में, उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे सॉक हो गए हैं। अब हम पतीला रखेंगे, उसमें हमने हमारे 1 कप चावल थे तो हम इसमें 4.5 कप पानी डालेंगे। पानी को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी हमारा अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और लेमन जूस, इसको मिला देंगे। अब हम इसमें सोक किए हुए चावल डाल देंगे। इसको हम 1-2 बार ही हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो चावल हमारे खिले खिले नहीं बनेंगे। चावलों को हम एक बार चेक कर लेते हैं। चावलों को हमने 85% तक पकाना है क्योंकि चावल हमारे बाद में भी पकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारे हो गए हैं। अब हम इसे देरी ना करते हुए जल्दी से निकाल लेते हैं खुले बर्तन में। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चावलों को हम इसमें निकाल लेंगे। इसको फैला देंगे। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। चावलों को हम नीचे से उठाकर ऐसे ऊपर करेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज के साथ ही इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक जो हमने ग्रेट किया हुआ है। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसको मिला देंगे और डालेंगे मटर, गाजर और बीन्स, इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे।
शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई और इसको मिला देंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और काली मिर्च। इसको मिला देंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। और इसको मिला देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हम मिलाएंगे, नीचे से उठा के ऊपर को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ज्यादा करेंगे तो वो चावल हमारे टूट सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कितने अच्छे हमारे चावल लग रहे हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम देख के डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ और इसको मिला देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्राइड राइस बनके तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे फ्राइड राइस बनके तैयार हुए हैं। फ्राइड राइस बनके हमारे तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चावलों के दाने हमारे कितने खिले खिले बने हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस बनके तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।